चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार, जानदार, ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 कैसे हो सकता है, 4.3 को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर मिस्टेक हुई है। लेक्चर 19वां लेक्चर है ये, और इसमें हम 4.3 को कवर करेंगे। सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से काट रहा हूँ, 4.3 इसको चेंज करने का याद ही नहीं रहता। तो 4.3 आज इस सेशन के माध्यम से हम करने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइए। अंकित, शगुन, अलीशा, प्रांशु, अरविंद और उसके बाद में दीपक, इन सभी का वेलकम है इस सेशन में, इस लाइव सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सब सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है आपको, और बहुत शानदार तरीके से स्टडी चल रही है। जल्दी से बताइएगा, आवाज़ वगैरह सब ठीक से आ रही है ना, एक बार कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज एक नया मेथड आपको सिखाने वाला हूं, तो जरा एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके यस लिख के बताओ। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शगुन, अरविंद, अंकित, अलीशा, स्नेहा, दीपक, बहुत ही बढ़िया भाई। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, कॉन्सेप्ट इज पावर। और यहाँ पर जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी बुक में से इस वाली एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। जो 4.4 है हिंदी मीडियम वालों की, तो उस वाले एक्सरसाइज को इंग्लिश मीडियम में 4.3 पर रखा गया है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, सारी चीज़ों को हम सही तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। जो सिलेबस से बाहर हो चुकी है उसको भी अगर पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता हो कि कभी कभी सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है बेट। नूर अजमी, वेलकम है इस सेशन में आप। देखिए, जो आज मैं आपको सिखाऊंगा ना दोस्तों, एकदम परफेक्टली तरीके से आपके समझ आ जाएगा और आप इस बात को कभी भी नहीं भूलोगे ना। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत बहुत जबरदस्त लाइन से करते हैं कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा रास्ते पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आइए दोस्तों, इसी लाइनों के माध्यम से इस सेशन की शुरुआत करता हूं और पढ़ता हूं क्वेश्चन को, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं पूरी पूरी। आई होप आप समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट से, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समझदार स्टूडेंट। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण, द्विघात जैसे कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मूलों का अस्तित्व हो, यानी उनका कोई सॉल्यूशन हो, उनका कोई हल हो, तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि द्वारा इनको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देना चाहता हूं। शोभित, आपका वेलकम है इस सेशन में। तो आइए दोस्तों, पहले हम चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की ओर, और इसमें पहला क्वेश्चन यहां पर पहले नोट करते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हमें किस विधि से करना है, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हमें सॉल्व करना है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा,
जो हमारा एक्स का कोफिशियंट नजर आपको आ रहा है, जो हमारा एक्स का कोफिशियंट आपको नजर आ रहा है 7। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप सभी स्टूडेंट? बताओ भाई, अलीशा, अरविंद, दीपक, शोभित, नूर अजमी और स्नेहा, कोई भी स्टूडेंट्स बात नहीं करेगा, मेरी बातों पर मुतवज्जे होंगे, ध्यान लगाएंगे और कंसंट्रेशन जमाए रखेंगे ताकि बात इजीली समझ आ जाए। देखिए, हमें इसको पूर्ण वर्ग विधि बना करके सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आसान क्वेश्चन है, यानी ऐसा क्या करें इसमें हम कि ये एक फॉर्मूला बन जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का। तो सबसे पहला स्टेप, उसी को तो बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं यहां पर गौर करता हूं, पहला स्टेप आपको याद रखना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सर यहां पर 2 है तो कैसे इसको हटाएंगे? इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आपका ये एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 इंटू एक्स और प्लस के 3/2 इजिकल्स टू आपका 0 आ जाए। इतनी बात आप समझ गए, पहला स्टेप क्लियर हमारा। दूसरा स्टेप क्या है? हाँ सर, दूसरा स्टेप जो है वो एक्स का कोफिशियंट 7/2, एक्स का जो आपको कोफिशियंट नजर आ रहा है 7/2, इसको आप साइड में लेकर जाएंगे सर। आप इसको 7/2 को साइड में लेकर आ गए, ठीक है सर, और इसकी मल्टीप्लाई आपको 1/2 से कर देनी है। 1/2 से हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है और सारे क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे। 2 क्वेश्चन में समझाऊंगा, 2 खुद लगाएंगे, ठीक है। 7/2 जो आपका x का कोफिशियंट होगा, पहला स्टेप जो x स्क्वायर का कोफिशियंट है यानी 2 कोई भी हो, उसको हमें 1 बनाना है किसी तरीके से, उसी संख्या से उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, बन जाएगा। उसके बाद में जो x का कोफिशियंट होगा 7/2, जैसे कि यहां पर 7/2, इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका स्क्वायर करा देंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7/4 और इसका ये होल स्क्वायर हो जाए। इतनी बात समझ गए सभी स्टूडेंट्स? यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट्स प्लीज करके फटाफट अंदाज में। इतनी बात समझे? बिल्कुल समझ गए। अब क्या करना है? अब यहां पर देखो कि हमें इस वाली इक्वेशन में पूर्ण वर्ग यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7/4 का होल स्क्वायर को ऐड करना होगा, 7/4 के होल स्क्वायर को माइनस करना होगा, तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, ऐसे ये स्टेप क्लियर करेंगे हम, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको एक्स स्क्वायर इसमें मैं ऐड कर रहा हूं क्या, 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर इसमें ऐड कर रहा हूं और पूरा यहां से लेके यहां तक एज इट इज ऐसे ही उतार दीजिएगा, माइनस के 7/2 और एक्स आ जाएगा और प्लस के 3/2 और जो आपने यहां पर जोड़ा है इसी को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो इस तरीके से माइनस के 7/4 का मैं होल स्क्वायर को घटा रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट। इजिकल्स टू 0 हमारा चल रहा है। अब क्या करेंगे सर? अब तो आसान है भाई, अब हम ये देखेंगे कि यहां पर अगर आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सर कैसी बात करते हैं आप, कि यहां पर एक्स माइनस, अगर मैं इसको एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? सर कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, यहां से लेके ए यहां तक, आई बात समझ? अगर आप इस पर ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू कहां है, ए कहां है, बी कहां है, सर आइए समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्स माइनस 7/4 के होल स्क्वायर को खोलता हूं, खोलने पर मैं इसको रफ कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस के 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू ए का मान एक्स और इंटू बी का मान 7/4, तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर
और प्लस के 7/4 का होल स्क्वायर माइनस के 2 से कैंसिल कर दिया 4, तो माइनस के 7/2 और ये वाला x बचा, तो यही तो आ जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस एंड नो, जरा सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ, बात इजीली समझ आई? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट्स को अगर हो तो जरा मुझे फटाफट अंदाज में बताओ, बात समझ कहीं भी नहीं आई हो तो। आ गई ना बात समझ में? यस लिख के बताओ भाई फटाफट अंदाज में आगे से। बस हमारा स्टेप कंप्लीट होने में थोड़ी सी देर बाकी है और अब हो जाएगा कंप्लीट। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ यहाँ से ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तभी आप इसको बटे का निशान समझ लो, इसको डिवाइड का निशान समझ ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, प्लस के 3/2। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, कैसे सर? आइए करता हूँ, प्लस के 3/2 और माइनस के 7, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है सर, आगे बात समझ, = 0। अब यहाँ पर एक्स माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा और इस तरीके से प्लस, और यहाँ पर इसका 16 और 2 का एलसीएम 16 आ जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी, ठीक है। संतिया, बाहुबली, इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम है इस सेशन में, कैसे हैं आप सभी, एक बार जरा कमेंट करके बताइए। तो 16 हमारा यहाँ पर ये एलसीएम आ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 16 में पढ़ो, इससे ऊपर ना जाए, 2 + 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, कितनी बार पढ़ गया? 8 बार पढ़ गया। 8 की मल्टीप्लाई इस 2 के ऊपर वाले नंबर से कर देंगे, 8 × 3 = 24, तो 24 आपका यहाँ पर आ जाएगा। माइनस लगाया, 16 का पहाड़ा 16 में पढ़ो, इससे ऊपर न जाए, 16 × 16, एक बार पढ़ गया, 1 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले नंबर से, तो माइनस के 49 = आपका 0 आ जाए, कोई डाउट नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट्स को। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और x माइनस के 7/4 और इसका यहाँ पर ये होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के माइनस के 49 और प्लस के 24, कितना बचेगा सर? 24 × 48 होता है, 25 बचेगा सर, माइनस के 25, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस के 25 और डिवाइड में कितना, 16 = 0, इतनी बात भी समझ गए सर आप। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं सर कि 25/16 जो माइनस का है ना, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इस वाले प्लस को ये वाला माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ साथ में, ताकि आप इस बात को अगले स्टेप में कर सकें, माइनस का हो जाएगा। अब मैं इस पूरे को राइट साइड लेकर जाता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस के 7/4 और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा और = 25 आपका ये 16 हो जाएगा। इतनी बात भी सर हम आपकी समझ चुके हैं, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। पहले हमने 2 से डिवाइड करा ताकि एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 1 बचे, उसके बाद में एक्स के पास जो लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से करी, उसका होल स्क्वायर किया, जो आएगा उसको जोड़ेंगे उसको घटाएंगे, उसके बाद में उसका वर्ग बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 25/16 आकर के राइट साइड जाएगा, उसके बाद 25/16 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब ये वाला स्क्वायर फाइनली हटाएंगे यहाँ से, उधर जाकर के ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ, रूट बन जाएगा सर। तो ये एक्स माइनस के 7/4 इस तरीके से ब्रैकेट में और = आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाँ सर ये हमारा रूट आ जाएगा, रूट के अंदर 25/16, और हम जानते हैं 25 का रूट क्या होता है और 16 का रूट क्या होता है। एक अगली स्लाइड में ऐड करता हूँ, x माइनस 7/4 = सर 16 का जो रूट होता है वो 4, सॉरी यहाँ पर कितना है भाई, 16 ही है ना, 25 है, तो 25 का रूट जो होता है 5 होता है और 16 का 4 होता है, तो 5/4 आ गया। अगर मैं यहाँ से 7/4, क्योंकि ये प्लस माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि सर हमने जब याद रखना इस बात को हमेशा कि जब कभी भी हम 25/16 को रूट से बाहर करते हैं ना, प्लस माइनस में उसका आंसर आता है, तो इस तरीके से हम इसको प्लस माइनस में लेते हैं, एक दफे प्लस एक दफे माइनस। अब यहाँ पर लास्ट वाला स्टेप, x - 7/4 = एक दफे 5/4 प्लस में लेंगे और उसके बाद में दूसरी बार x - 7/4 इसको माइनस में लेंगे, -k 5/4, यहां से सॉल्व करेंगे दोनों को, तो x = 7/4 इधर जाएगा तो माइनस का नहीं, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 5/4 प्लस के 7/4 और 4 यहां से हमारा एलसीएम आ जाएगा
सात और पांच बारह होता है, चार तिया बारह, एक्स इज इक्वल टू आपका थ्री आ जाए। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। स्टेप आपने समझ लिए कि किस तरीके से हमें स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है और इसका एक्स का मान निकालना है। चूंकि एक्स की दो पावर थी मैक्सिमम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप जानते हैं कि जितनी पावर होती है मैक्सिमम उसके सॉल्यूशन उतने तो होते ही है, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं, उतने तो होंगे ही होंगे, इस बात को आप याद रखें। अब यहां पर x इज इक्वल टू माइनस के 5/4, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 7/4, यहां से 4 हमारा एलसीएम आने के पश्चात 7 प्लस का माइनस के 5 2 बचेगा, 2/4 2/4, यानी x इज इक्वल टू आपका 1/2 आ जाएगा। मैं आशा करता हूं बात बहुत इजीली समझ आ गई। तो x के दो मान किस तरीके से हमने फाइंड किया, स्मिता और उसके बाद में अंकित, अलीशा, आप सभी स्टूडेंट्स ने समझी मेरी बात या नहीं? अब मुझे बताओ जरा दिल पे हाथ रख के, क्या इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होगी? अरे बताओ भाई, नहीं होगी तो करा देता हूं एक और क्वेश्चन, फटाफट अंदाज एक क्वेश्चन और कराता हूं। 2x² + x - 4, स्टेप क्या है सर? पहला स्टेप हमारा यहां पर फॉलो करते हैं कि सर 2 आ रहा है, यानी 2 क्या कुछ भी आ सकता है, जो आएगा उसी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में। तो मैं यहां पर 2 से जब डिवाइड करता हूं, 2 से जब डिवाइड करता हूं पूरी इक्वेशन में, तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर और प्लस के 1/2 × x और माइनस के 2 × 4 - 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप, कि हाँ सर x के जो पास लिखा हुआ है कोफिशियंट उसको साइड में लेकर जाएंगे और कुछ कहानी सुनाएंगे और उससे कहेंगे कि आप अपने पास 2 से यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करा लो। तो जब मैं इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और इसका स्क्वायर भी कर लो तो ये 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसका मतलब कि इस इक्वेशन में जो आपको नजर आ रही है इसमें 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे, 1/4 का होल स्क्वायर लास्ट में घटा देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा x² + 1/4 होल स्क्वायर। और इस तरीके से आपका ये आ जाएगा क्या, प्लस के 1/2 × x माइनस के 2 और माइनस के 1/4 का होल स्क्वायर हम यहाँ पर इस तरीके से घटा रहे हैं, क्योंकि हमने जोड़ा है तो घटाएंगे भी, इसलिए इक्वल हो जाएगी दोनों इक्वेशन ये, ठीक है, दोनों कह रहा हूँ एक इक्वेशन ये इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने देखा क्या सर, कि a² + b² + 2ab + 2ab, क्या सच बताओ कि यह x + 1/4 का होल स्क्वायर ना हो जाएगा? अरे बताओ भाई, आप इसको खोलोगे ना बेटा तो एज इट इज ऐसा यहां से लेके यहां तक आपका आ जाएगा, यहां से लेके यहां बचा माइनस के, तो इसको लिखते हैं यहां पर माइनस के 2 और माइनस के 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू आपका 0 आ जाए। ठीक है सर, आपकी बात मान लो। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आप एक काम करेंगे x + 1/4 का होल स्क्वायर और इस तरीके से आप माइनस और 2 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 होता है, 16 का आप एलसीएम लेंगे यहां पर, इस तरीके से आपका आ जाए। ये आप एक काम करो, इजी काम करूं सर, इसको ना आसान कर दो, माइनस में दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं बेटे, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में हमारा अंदर प्लस होता है, पता ना कहां से ये कीड़े चढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा जरा इसको यहां से माइनस मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में 2 + 1/16 बचा, अपॉन 1 इस तरीके से आ जाएगा इक्वल्स टू 0। x² + 1/4 का होल स्क्वायर, सर समझ नहीं आ रहा है मेरे, रिपीट कर दो, टेंशन मतलब बेटा आ जाएगा, बस इसको जरा पूरा करता हूं। माइनस के ब्रैकेट में हम यहां से इस 16 और 1 का जो एलसीएम आएगा 16 है, 16 × 32 और प्लस के 1 इस तरीके से आपका इक्वल टू 0। x + 1/4 का होल स्क्वायर और 33 बटे 16 जब ये राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से ये आपका 33/16 आ गया। इस स्क्वायर को हटाएंगे, इधर जाकर के रूट बन जाएगा, मैं एक स्टेप को खा रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से ये रूट बना रहा हूँ इधर हटा करके, ठीक है, बिल्कुल सर। अब ये आपका x प्लस
वन अपॉन फोर इजिकल्स टू प्लस माइनस रूट 33, और जो 16 होता है वो 4 का होता है रूट, इस तरीके से नीचे 4 आ जाएगा। अब एक दफे प्लस मिलेंगे एक दफे माइनस मिलेंगे, यानी x प्लस वन अपॉन फोर इजिकल्स टू 33/4, और दूसरा लेंगे x इजिकल्स टू x प्लस वन अपॉन फोर इजिकल्स टू माइनस के रूट 33/4। एक दफे प्लस मिलिए एक दफे माइनस, तो फाइनली इसका आंसर यहां पर मैं इधर साइड में एक स्लाइड को ऐड करता हूं और लिखता हूं इसका आंसर, x प्लस वन अपॉन फोर इजिकल्स टू 33/4, उधर जाएगा माइनस फोर, एक्स इजिकल्स टू 33/4 माइनस के वन अपॉन फोर इजिकल्स टू, यहां से 4 एलसीएम आ जाएगा रूट 33-1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा x का मान। तो एक x की वैल्यू आप ये आ गई, और दूसरी x की वैल्यू x प्लस वन अपॉन फोर इजिकल्स टू माइनस के रूट 33 और डिवाइड में 4, ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स इजिकल्स टू माइनस के रूट 33/4 माइनस के वन अपॉन फोर, 4 मैं यहां से क्या लूंगा एलसीएम लूंगा, 4 एलसीएम लेने के बाद ऊपर का एज इट इज उतर जाता है, ये बात आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, माइनस के वन। तो इस तरीके से एक एक्स का मान आपका ये आ गया। तो किस तरीके से हमने एक्स के दो मान किस विधि से, सर यहां पर हमने फाइंड किए हैं गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बात आप समझ चुके हैं ना दोस्तों, तो आप दो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना इन क्वेश्चन को खुद से लगाइएगा आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप यही चलेंगे हर कुछ। जैसे यहां पर 4 आ रहा है तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देना, यहां पर 2 आ रहा है पहले स्टेप में इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं। एक दफे और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, अलीशा जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। सबसे पहला काम हमने क्या काम किया, ये क्वेश्चन है ठीक है, हमने देखा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना 2 कोफिशियंट, इससे हमने पूरी इक्वेशन की डिवाइड कर दिया, यानी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 2 से, करने के बाद 7/2x + 3/2 = 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। उसके बाद में दूसरा स्टेप जो आगा, एक्स का जो कोफिशियंट है 7/2 इसको साइड में लेकर जाइए, लेकर चली गई, जाने के बाद इसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करी उसका स्क्वायर किया, करने के बाद क्या हो जाएगा 7/4 उसका होल स्क्वायर। अब जो ये आपका आंसर आया 7/4 इसका होल स्क्वायर, इसको आप इस वाली इक्वेशन में एक दफे जोड़ देंगे एक दफे घटा देंगे, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर को जोड़ दिया यारा और लास्ट में इसको घटा दिया, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक एज इट इज ये बीच में आपका ऐसे ही आ जाएगा -7/2x + 3/2, इसको आप सॉल्व कर लेंगी। करने के बाद यहां पर आप गौर करेंगी कि a² + b² - 2ab (x - 7/4) का होल स्क्वायर होता है, यही हमें बनाना था और यहीं पर हमारा आंसर आने वाला है। अब इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25/16, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, होने के बाद यहां से क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा यहां से तो इधर जाकर के वर्गमूल बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है, बनने के बाद में 25 का रूट और 16 का रूट आप जानती हैं, बाहर निकाल कर लेकर आएंगे 5/4 आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहां से x की दो वैल्यू निकल कर आएंगे कि एक दफे प्लस प्लस माइनस में आएगा बाहर 5/4, एक दफे प्लस मिलेंगी और एक दफे आप इसको माइनस मिलेंगे। आप कर सकती हैं अलीशा, जरा एक बार यस लेके बताओ, बात समझ आई हो तो फटाफट अंदाज में, और भी क्वेश्चन करने हैं अब एक दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं कि किस तरीके से हमने गुणनखंड विधि से एक्स के मान निकाले। अब हम सीखने वाले हैं फॉर्मूले की मदद से, जिसका नाम श्रीधराचार्य है, श्रीधराचार्य ने उस फॉर्मूले का नाम दिया था। सर वो फॉर्मूला क्या है जरा एक दफे आप बता दीजिएगा, तो आइए उसकी ओर चलते हैं और जरा देखते हैं कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए जो पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उसको हमें द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना है। द्विघाती सूत्र का यानी उसको बोलते हैं हम द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके एक्स के मान को फाइंड करना है ना। तो आप जानते हैं क्या, आप शायद आपने देखा भी होगा ये वाला फॉर्मूला, इसको हम श्रीधराचार्य बोलते थे, सर ने बताया था श्रीधराचार्य,
श्रीधराचार्य ने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था। फॉर्मूला क्या है सर, एक्स इज इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, वेयर इज डी, वेयर डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी जहां पर है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, इस बात को आप सब स्टूडेंट समझें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं आंसर यही आएगा क्या अलग आएगा। x इज इक्वल टू थ्री और x इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तीन क्वेश्चन खुद से करना, ठीक है। इज इक्वल टू आपका जीरो, सर ये b क्या है? अरे जो x का कोफिशियंट है वो b होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है वो a का मान होता है, इस बात को तो आप जानते ही। तो सबसे पहले ए बी सी निकाल लो, ए का मान यहाँ पर टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, बी का मान यहाँ पर माइनस सेवन आ जाएगा और सी का मान यहाँ पर आपका थ्री आ जाएगा, ठीक है सर। सबसे पहले निकालते हैं क्या, एक्स इज इक्वल माइनस बी, माइनस बी, और एक काम करो पहले आप डी निकाल लो, अगर डी का मान, अगर डी का मान माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्या कहा मैंने कि अगर डी का मान माइनस में आ रहा है तो उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। जी हाँ, आपका आंसर आ जाएगा बस, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका आगे सॉल्यूशन ही नहीं है, उसका कोई हल ही नहीं है, तो इस तरीके से उसको वहीं पर छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो x सबसे पहले निकालेंगे d, d, ठीक है। तो d इज इक्वल्स, d इज इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, इज इक्वल्स b का मान कितना है सर, b माइनस सेवन, माइनस सेवन का स्क्वायर 49 आ जाएगा, माइनस के फोर इंटू ए का मान कितना है सर टू और सी का मान कितना है तीन। इतनी बात समझे आप, आगे बस 49 और चार दुनी आठ, आठ पे 24, माइनस के 24 आपका आ जाएगा, इसका मतलब 49 और 24 को आप माइनस करोगे तो 25 बचेगा, डी का मान 25 आ जाएगा, आगे बात समझ। अब चलते हैं हम श्रीधराचार्य के पास, एक्स इजिकस माइनस बी, माइनस बी और माइनस पहले से ही है तो सेवन हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी का मान अभी निकाला हमने 25 अपॉन टू इंटू ए, टू का मान कहाँ है सर, ए का मान कहाँ है, ए का मान ये टू रूज फोर होता है, तो फोर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो किस तरीके से आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाया और इसका आंसर आ गया, एक्स इज इक्वल टू, इसको आप क्या काम करेंगे, एक दफे प्लस मिलेंगे एक दफे माइनस मिलेंगे, करना कैसे है, सेवन प्लस रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 प्लस 5 अपॉन 4 कॉमा 7 माइनस 25 अपॉन 4, ठीक है, इस तरीके से आपका। तो x इज इक्वल टू 7 और 5 12, 12 बटे कितने होंगे 4, 4 तिया कितने होते हैं 12 होते हैं, और इस तरीके से आपका ये आ जाएगा माइनस में, यानी माइनस के कितना होगा, कितना बचेगा माइनस में, माइनस का आपका 7 को माइनस करेंगे 18 बचेगा ना, 31 बटे 2 अंशिका, सेवन माइनस 25 18, 7 25 होते हैं तो यहां पर माइनस के 18 बचेगा और डिवाइड में 4, दो दुनी चार, दो नम 18, इस तरीके से माइनस के 9 अपॉन 2 आपका यहाँ पर। तो चूंकि माइनस वाला तो हम लेते नहीं है तो खराब होता है हमारा, जो एक्स का पॉजिटिव में मान आता है उसको हम लेते हैं 4 या 12। किस तरीके से एक्स इज इक्वल टू 3 हमने निकाला है, आई होप आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, ठीक है बेटा, आई बात समझ, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट